सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में मैं शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के न्यू मॉडल पेपर के बारे में पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं राजनीति विज्ञान के नाम से जानते हैं या राजनीति शास्त्र कहते हैं तो जो छात्र छात्राएं हमारे बीए प्रथम वर्ष में अभी एडमिशन लिए हैं और बीए प्रथम सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं मतलब बीए प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगा और साथ ही साथ आग में घी का काम यह लेक्चर करने वाला है एक ही वीडियो के अंतर्गत तो लगभग आप पूरे के पूरे पेपर के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे मतलब कि जो है जो सेमेस्टर जो वन होगा आपका जो पेपर मतलब प्रथम जो है सेमेस्टर की परीक्षा आप देंगे पॉलिटिकल विषय वस्तु की पॉलिटिकल साइंस जो है सब्जेक्ट की उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मतलब कि न्यू मॉडल पेपर के तौर पर आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर जो 2022 की परीक्षा के अकॉर्डिंग होगा ऐसा नहीं कि केवल 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है आने वाली परीक्षा जो 2023 की होंगी 24 की होंगी उनके लिए भी यह लेक्चर इम्पोर्टेंट होगा और आगे वाली जो जो है आगामी परीक्षाएं होंगी उनके लिए भी तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें पहले से ही ओके ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप समझ सकें और इसी प्रकार से आपको वीडियो और मिलती रहे एक लाइक आपका बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है तो इसलिए लाइक वगैरह जरूर कर दें तो चलिए बी ए फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस में कैसे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं 2022 की परीक्षा में उसके संदर्भ में आपको बताने वाला हूं इससे पहले अगर आपको मैं बता दूं इससे पहले आपने अगर जो है हिंदी वाला नहीं देखा है हिंदी का मॉडल पेपर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा और इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियो आपके सामने देने का प्रयास करूँगा ठीक है जल्द ही आपके सामने प्राचीन इतिहास अर्थात एंसेंट हिस्ट्री का न्यू मॉडल पेपर दो का जो है आपके सामने आएगा इसी के साथ साथ प्राचीन इतिहास का जो सिलेबस है नया वाला सिलेबस वह वा अभी आपको देने का प्रयास जल्द ही रहेगा ओके तो आप देख लीजिएगा पॉलिटिकल साइंस का जो है आज और उसके बाद में जल्द ही आपके सामने प्राचीन भारत का भी लाने वाला हूँ ओके आइए चलिए कुछ आगे की जो है आगे लेक्चर हम बढ़ाते हुए और मतलब प्रारंभ करते हैं लेक्चर को इससे पहले आपको बता दूं मैं कि हिंदी साहित्य का जो है हिंदी काव्य नाम से जो प्रश्न पत्र है इसका मॉडल पेपर ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हो चुका है बीए फर्स्ट सेमेस्टर ऐसे ही प्रश्न एग्जाम से जल्दी जो है एग्जाम्स में आते हैं तो जल्दी से इसको देख लीजिए इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इसमें समाहित किए गए हैं और एक घंटे सत्ताईस मिनट की लगभग वीडियो उसको देख लीजिएगा इस, इस तमाम सारे प्रश्न जो हैं ये सब जो है उसी में हमने समाहित किया तो आप देखिएगा हैंडराइटिंग के माध्यम से जो है ये बताने बनाने का प्रयास होता है और इसमें विस्तार से सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो नया आया है नए तरीके से पेपर होना है उसके उसको ध्यान में रखते हुए नए सिलेबस को नई शिक्षा नीति दो हज़ार जो बीस में आई थी दो साल कोरोना के कारण से ब्रेक हो गई थी अब वह शिक्षा नीति दो हज़ार बाईस में पूर्ण रूप से लागू की जा रही है तो उस इसमें लगभग बत, बता दूँ जो मैं यहाँ पर बताऊँगा जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ लगभग और लगभग सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो यह लेक्चर जो पॉलिटिकल साइंस का बी ए फस्ट सेमेस्टर का बता रहा हूँ ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए है ध्यान रखेंगे चाहे वो गोरखपुर विश्वविद्यालय हो चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो या फिर एक प्रकार से बात की जाए लखनऊ विश्वविद्यालय हो कानपुर विश्वविद्यालय हो या फिर जो है जितने भी विश्वविद्यालय आप देखेंगे चाहे वह एक प्रकार से बात की जाए जो है महात्मा गांधी काशी हिंदू विद्यापीठ हो या फिर इसी प्रकार से अन्य जो विश्वविद्यालय होते हैं मतलब सभी विश्वविद्यालय लगभग जो हैं लगभग इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और यही पेपर होता है और यही आएगा अब मतलब नई शिक्षा नीति के तहत कॉमन सिलेबस कर दिया गया सभी विश्वविद्यालय का पहले सिलेबस में कुछ चेंजमेंट देखने को मिलता था जो है बी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में लेकिन अब जो है इस प्रकार से जो सेमेस्टर वन होगा उसमें जो है लगभग अंतर नहीं मिलेगा लगभग सभी विश्वविद्यालयों में सिलेबस लगभग सेम करने की बात कही गई है तो ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में आएंगे नया मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया इसको आप सभी लोग देखिएगा चलिए हम बात कर लेते हैं हैं आपके सामने इस प्रकार से हाजिर हो चुका है कैसे आपके सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे राजनीति शास्त्र प्रथम वर्ष का मतलब यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में ही अभी पढ़ रहे हैं शुरुआत का जो है चाहे बी पार्ट वन हो बी फर्स्ट ईयर हो या फिर बी प्रथम सेमेस्टर हो तो प्रथम सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 2022 की दृष्टि से प्रश्न पत्र का नाम क्या है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान ने देखा होगा अंग्रेजी चातर देख तो राष्ट्रीय मूवमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ऑफ इंडिया कुछ भी आप बोल सकते हैं तो प्रश्न पत्र का नाम है न्यू मॉडल पेपर है दो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाहित किए गए हैं सबसे पहले जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपको एक नोट मिलेगा उसी नोट को सबसे पहले आपको पढ़ लेना है क्या पढ़ लेना है नोट को पढ़ना सबसे पहले नोट मतलब क्या होता है निर्देश दिया होता है तो उसी इंस्ट्रक्शन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या इंस्ट्रक्शन तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना है सबसे पहले क्या दिया है कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए ऐसे आप आपको पेपर में भी लिखा मिलेगा और वहीं पर आप देखेंगे खंड आ बटा हुआ होगा सबसे पहले आपको खंड आएगा खंड फिर खंड उसके बाद भी तो कोई जरूरी नहीं कि सबसे पहले जो खंड आ दिया गया यही आप करें यही यहीं से उत्तर लिखना प्रारंभ करें अगर आपकी मर्जी है तो खंडबा से लिख सकते हैं आपकी अगर मर्जी है आप चाहे तो खंड करके लिख सकते हैं मतलब प्रश्नों का जो है एक प्रकार से क्रमागत उत्तर लिखने के लिए निर्देश नहीं दिया जाता है मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक सीरियल से जैसा दिया है पेपर में वैसे ही उत्तर प्रश्न का उत्तर लिखें आप छाट करके चाहे जहां से जो है लिख सकते हैं बस आपकी प्रश्नोत्तर संख्या लिखी जानी चाहिए मतलब प्रश्नोत्तर संख्या लिखी होनी चाहिए आप क्या लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या एक का फर्स्ट एक का सेकंड इस प्रकार से आपका लिखा होना चाहिए चाहे आप छठवें का फर्स्ट लिखें या फिर आठवें का लिखें मतलब आप जो भी लिखेंगे उसमें प्रश्न संख्या पड़ी होनी चाहिए यह बात इंपॉर्टेंट रखिएगा ठीक है तो यहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है मतलब कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न को लगभग कितने शब्दों में लिखना है पचास शब्दों में लिखना है एक प्रश्न करोगे कितने नंबर मिलेगा दो नंबर मिलेगा इसी प्रकार से दस प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं दस प्रश्न करें कितने नंबर हो जाएगा बीस नंबर यहाँ पर आपका ये तैयार हो जाएगा ठीक और पचास पचास शब्दों में एक एक प्रश्नों को लिखना है सबसे पहला प्रश्न आपके सामने क्या है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था यह अति लघुतरीय प्रश्न है खंड आ से अति आघुतरीय खंड बा से लघु सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे या बात ध्यान रखेंगे ओके तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था यह पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया गया गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो गांधी इरविन समझौता की अगर मैं बात करूँ तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था अगर मैं बताना चाहूँ तो सन उन्नीस में जो गोल मेज का सम्मेलन हुआ था उसका कोई नतीजा नहीं निकला था गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या होता है गोल मेज सम्मेलन जो हुआ था वह गोल मेज एक प्रकार से एक ऐसी गोल गोल मेज होती थी इंग्लैंड की बात करूँ इंग्लैंड में कुछ भारतीयों को या फिर जितने भी उपनिवेश इंग्लैंड के रहे थे उस समय ब्रिटेन के या यूनाइटेड किंगडम के तो उसमें क्या होता था वहाँ के राजा बैठते थे इंग्लैंड की महारानी बैठती थी और उसमें क्या होता था गोल मेज होता था इसके इधर कुर्सी इधर कुर्सी इधर कुर्सी मतलब चौतरफा अच्छा जो क्या थी कुर्सी लगी होती थी इससे क्या होता था कि कोई इसमें बड़ा नहीं है ना कोई छोटा है ये गोल मेज का मतलब क्या होता सभी का मुँह सभी जो है लोगों को सभी लोग देख सकें और कोई बड़ा छोटा नहीं है इस प्रकार से कुर्सी सबकी बराबर रखी गई थी यही था गोल मेज सम्मेलन मतलब क्या थी गोल जो थी वह मेज थी वहाँ की और इसलिए सामने सामने मतलब गोल मेज से रखने से क्या होता है कि सभी का चेहरा सभी लोग देख करके अपनी अपनी बातों को रख करके जो है चीज़ें सारी तरीके से अच्छे तरीके से डिबेट कर सकती है तो गोलमेज सम्मेलन होता है वह वहीं पर हुआ था तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उन्नीस सौ तीस में जो है कोई नतीजा नहीं निकला है निकला क्योंकि क्यों नहीं निकला था क्योंकि कांग्रेस ने सम्मेलन में भाग ही नहीं लिया था तब अंग्रेजों ने सोचा कि कांग्रेस के बिना भी नतीजे मतलब कांग्रेस के कांग्रेस के बिना जो है किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचेगा एक प्रकार से गोलमेज सम्मेलन या किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि कांग्रेस शामिल ना हो ऐसे में ब्रिटिश सरकार के आदेश पर क्या किया गया जो है वायसराय जो थे उस समय के लॉर्ड इरबिन लॉर्ड इरबिन जो थे वह वायसराय थे उस समय के लॉर्ड इरबिन ने जो है गांधी जी के साथ में एक समझौता किया था जिसको गांधी इरबिन समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं गांधी जी के बीच मतलब लॉर्ड इरबिन और गांधी जी के बीच में पाँच मार्च कितने कौन सा समय है वो पाँच मार्च का दिन था पाँच मार्च और लगभग अगर बात मैं करूं लगभग क्या उन्नीस सौ इकतीस की मैं बात करूं तो चूंकि उन्नीस सौ तीस का जो है बिफल विफल हो गया था तो उन्नीस सौ इकतीस ईस्वी में एक समझौता किया गया तो इसी समझौते को किसके नाम से जाना था गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है तो पाँच मार्च उन्नीस सौ इकतीस ईस्वी को गांधी जी के द्वारा और वायसराय जो है ब्रिटिश सरकार के आदेश मतलब आदेश पर वायसराय था लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में पाँच मार्च उन्नीस सौ इकतीस ईस्वी को एक समझौता होता है उसी को गांधी इरविन समझौते के नाम से हम जानते हैं बस इतना आपको लिख देना है आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा इसी प्रकार से और भी दो तीन चार सारी बातें हैं उसको आपको याद ध्यान रखना होगा कभी कभी आपको आपसे चौरी चौरा कांड को लेकर के प्रश्न एग्जाम से बन सकता है तो चौरी चौरा कांड क्या है भाई इसको भी थोड़ा सा बता दू आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में जब प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाए तो गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा है जो असहयोग आंदोलन है वह शांतिपूर्वक चल रहा था बात उस समय की है जब गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था पाँच फरवरी 1922 सौ ईस्वी को गोरखपुर का एक स्थान है चौरी चौरा उसी स्थान पर कांग्रेस के द्वारा जुलूस निकाला जा रहा था और जब उस समय जुलूस निकाला जा रहा था तो पुलिस ने जुलूस को रोकने का क्या किया था प्रयास किया जिससे क्या हुई जनता और पुलिस के बीच में क्या हो गई थोड़ा सा मुठभेड़ हो गई और जब इन दोनों जनता और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई तब पुलिस जो है भाग करके पुलिस चौकी में क्या हो गई जा करके छिप गए और जब पुलिस भाग करके पुलिस चौकी में छिप गए चौरी चौरा नाम की पुलिस चौकी में इसके बाद जो भीड़ थी वह उत्तेजित थी उसने क्या क्या चौकी को घेर लिया और चौकी को घेरने के बाद में उसमें क्या कर दी आग लगा दी और यही एक प्रकार से ही जब यह ऐसी हिंसक जो है कार्रवाई हुई जो है भीड़ के द्वारा जो जनता थी उसके द्वारा कि इसमें कितने लगभग बात की जाए एक थानेदार और 21 सिपाही जल करके क्या हो गए थे एकदम से राख हो गए तो ये जो है हिंसक घटना थी और चूंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे इसलिए इस घटना को सुनते ही गांधी जी को बड़ा आघात हुआ और उसी के कारण से उन्होंने जो आंदोलन था जो जो है असहयोग आंदोलन जो चला रहे थे वह उसको बंद कर देते हैं और कहते हैं कि चौरी चौरा कांड जो है इसी के कारण से मैं इसको बंद कर रहा हूँ उन्होंने बताया कि ये हिंसक आंदोलन कर दिया और मेरा कहने का मतलब था आंदोलन कैसा अहिंसा से परिपूर्ण हो यह गांधी जी का कहना था तो चौरी चौड़ा कांड जो है ये था लगभग पांच फरवरी उन्नीस ईस्वी को गोरखपुर के जो है एक स्थान चौरी चौरा वहीं पर हुआ था तो यह उसमें बता सकते हैं आपसे और भी प्रश्न पूछे कि जो है पूना पूना समझौता क्या है पूना है पैक्ट जो वह भी एग्जाम से बन सकता है प्रश्न तो पूना मतलब हमने एक रख दिया गांधी बिंद समझौता अब गांधी बिंद समझौता पूना पैक्ट ये सब जो है लगभग यहीं से प्रश्न आपके बन सकते हैं ठीक तो इसलिए मैं इसमें बता रहा हूं ताकि एक ही वीडियो के अंतर्गत आप सारी बातें समझ जाए वैसे एक वीडियो अंतर्गत मैं आपको जो है अति लगुतरी प्रश्नों को दे दूंगा अति लगुतरी प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न लिखे रहेंगे और उसको विस्तार से मैं आपको एक वीडियो दो वीडियो के अंतर्गत जो भी होगा उसमें मैं बता दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो उसमें आप विस्तार समझ लीजिएगा ठीक है पूरा समझौता क्या है द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ प्रथम गोल में सम्मेलन जब आज जो है उसका कोई नतीजा नहीं निकला तो द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ उसमें अंग्रेजों ने एक और चाल चली क्या चाल चली कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था तो 1919 सौ ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही कर दी थी पहले से ही अब इन्होंने क्या किया जो है जो है वो ब्रिटिश ब्रिटिशर्स ने हिंदुओं में फूट डालने के उद्देश्य से हरिजन जो थे उनके लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गांधी जी को इस निर्णय से क्या हुआ बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने क्या कर दिया एक अनशन शुरू कर दिया जो कि आमरण अनशन जान के नाम से अनाता है तो आमरण अनशन आरंभ कर दिया गांधी जी ने किंतु अंत में हरिजन नेता थे एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप सभी को पता होगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में क्या हुआ उन्नीस सौ में एक समझौता होता है पूना में गांधी जी के बीच में और भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसको पूना समझौता के नाम से जानते हैं पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं ठीक है पूना समझौते के अनुसार हर के लिए जो है विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिया गया कि हाँ इतने सीट आपकी फिक्स हो जाती है किंतु पृथक निर्वाचन का निर्णय जो कर दिया इस को, को समाप्त कर दिया गया था गांधी जी की यह एक प्रकार से बात की जाए तो महान विजय थी अगर यह समझौता नहीं हुआ होता तो मैं बता दूँ मेरे प्यारे दोस्तों आज जैसे पाकिस्तान एक देश है वह से हरिजनों का भी एक देश हो जाता उस समय इस प्रकार की जो है एक प्रकार से जो है भावना फूट पड़ी थी हरजनों के मन में तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं तमाम सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई तो पूना पैक्ट गांधी बिन समझौता चौरी चौरा कांड हमने आपको बता दिया इसी प्रकार से अन्य बातें ऐसे आपसे कभी कभी पूछ सकता है भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे तो आप बता दीजिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे आ, जो है क्रिप्स मिशन की असफलता जापानी आक्रमण का भय भी था कही कहीं ना कहीं पर साथ ही साथ ब्रिटिश राज्य व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास और साथ ही साथ बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार भी और पूर्वी बंगाल में आतंक का साया वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते मूल्य ये तमाम सारी चीज़ें ओके आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम देखने का प्रयास करते हैं अब एक ही चीज़ में अगर फंसे रहेंगे तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है दूसरा नंबर प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या आई एन अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस तो इसकी स्थापना कब हुई थी मतलब इसकी उत्पत्ति मतलब लगभग इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो 28 दिसंबर अट्ठारह सौ को हुई थी इसकी स्थापना मुख्यतया जो है अट्ठारह में आप बताएंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप लिखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर महीने में 28 दिसंबर का दिन है लगभग 28 दिसंबर अट्ठारह सौ ईस्वी में हुई इसका प्रथम अधिवेशन जो था कब हुआ था अट्ठाईस दिसंबर को ही हुआ था इसीलिए उसी दिन से हम मान सकते हैं तो अट्ठाईस दिसंबर अट्ठारह सौ को बम्बई में एक स्कूल है में कॉलेज है उस कॉलेज का नाम है गोकुलदास तेजपाल कॉलेज तो सन अठारह इकतीस दिसंबर तक चला तो अट्ठाईस से लेकर के इकतीस दिसंबर तक जो है यह चला कौन ये एक प्रकार से इसकी अधिवेशन जो था वो चला दिसंबर से 31 दिसंबर लगभग तीन दिनों तक चला इसकी अध्यक्षता सबसे पहले किसने करी थी व्योमेश चंद्र बदन जी डब्ल्यू

इसके लिए समझना जरूरी था साथ ही साथ राष्ट्रीय संस्था की भी स्थापना जो है होनी भी चाहिए तो इसके कारण से भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और साथ ही साथ वायसराय जो लॉर्ड डफरिन था वह जो एक प्रकार से उसका आंतरिक सहयोग जो है उसके माध्यम से भी हो सका तो ला वारसराय लाल डफरीन का आंतरिक सहयोग यह भी एक कारण है राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का तो आपने ये देखा तमाम सारी चीज़ें तो हमने आपको बता दी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और आखिरकार क्यों हुई थी ये सब आपको पता होनी चाहिए ठीक इन सभी को को ध्यान में रखिएगा आपसे एग्जाम से, से प्रश्न पूछे कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता स्वतंत्रता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था तो कब प्रारंभ हुआ था अठारह की क्रांति से ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से पहली बार कब आई तो कब आई थी भाई सोलह सौ ईस्वी में दिसंबर का महीना था आई थी इलबर्ट बिल कब पारित हुआ इलबर्ट बिल अठारह सौ तिरासी में पारित हुआ था आपसे पूछे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो अठारह सौ सत्तावन ईस्वी में ही समाप्त हो गया था उसके बाद में जो है महारानी के हाथ में मतलब जो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चला जाता है कंपनी के हाथ जो कि कंपनी वहाँ से पंद्रह साल के लीज पर लेकर के मतलब आई थी कि पंद्रह साल में व्यापार करने जा रही हूँ तो यहाँ पर आकर के वो जो है प्रकार से क्या करने लगी राजनीतिक जो है सत्ता स्थापित करने लगी उसके में में जब विद्रोह हुआ तब स्वयं महारानी महारानी जो 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 है जो वहां की, जो है की थी उन्होंने स्वयं जो है अपने हाथ में सारी चीजें ले ली मतलब भारत की बा, 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 बागडोर बंगाल विभाजन कब हुआ था भाई बताएं फटाफट से तो कब हुआ था 1905 में ये तमाम सारी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि देश की आजादी में कौन कौन से तत्व सहायक रहे हैं देश के आज़ादी में कौन कौन से तत्व तो सहायक रहे कभी आतरे गुतरे पर बन सके तो आप क्या बताएंगे सबसे पहली बात क्या थी कि आंदोलन का मजबूत था होना तो आंदोलन मजबूत हो रहे थे इसीलिए देश में आज़ादी के की सहायता तो हो सकता है दूसरा क्या मुद्दा हो सकता है ब्रिटिश जनता आज़ादी की पक्षधर थी तो ब्रिटिश जनता भी आज़ादी की पक्षधर थी और वहाँ पर ब्रिटिश जनता भी एक प्रकार से प्रेशर दे रही थी कि हाँ नहीं भारत जो तो देश है उसको क्या करो उपनिवेश से हटाओ उसको उसको जो है स्वतंत्र करो और तीसरा मुद्दा यहाँ बता सकते हैं कि मजदूर दल की उदारवादी नीति भी रही थी या भी एक प्रकार सहायता प्रदान करती देश की आज़ादी में चौथा क्या कि ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव भी बन रहा था कि आप अपनी व्यस्तता घटाओ चूँकि उस समय विश्व युद्ध भी चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय मित्र राष्ट्रों में में जो है शामिल था ब्रिटेन ओके और पांचवा मुद्दा बता सकते हैं एशिया में नवजागरण जो हो रहा था इसके कारण से भी जो है लोग पढ़ लिख रहे थे और सबको पता हो रहा था कि हाँ क्या हो रहा है कैसा हो रहा है कितनी मतलब राष्ट्रवाद वगैरह सब चरम सीमा पर अपने थे अगला मुद्दा बता सकते हैं कि सेना द्वारा ब्रिटेन के प्रति विद्रोह भी एक प्रकार से सेना भी बन रही थी चाहे वो आज़ाद हिंद फौज की हो या फिर अन्य कोई तमाम प्रकार से जो है जो है ब्रिटेन पर जो है बोला जा रहा था साथ ही साथ साम्यवाद का भी खतरा बढ़ रहा था कांग्रेस और मुस्लिम लीग से भी सहमति जो है एक प्रकार से हो रही थी तो इससे क्या होता था देश की आज़ादी में ये सब सहायक तत्व माने जा सकते हैं ये तमाम सारी चीजें जो हमने आपको बता दी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी तो इसको आप लोग जो है फिर से एक बार वीडियो जब आप जो है लगभग जो लाइव सेशन हुआ आपका जब लाइव सेशन समाप्त हो जाए तो फिर से एक बार वीडियो इसको देख लीजिएगा ओके तो यहाँ पर दो दो प्रश्न आपके समाप्त हो गए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा में आ गया धर्मनिरपेक्ष को क्या कहते हैं अंग्रेजी में धर्मनिरपेक्ष को क्या कहते हैं जो एक है प्रकार से जो धर्म को ना माने धर्म को ना माने मतलब ऐसा ऐसा राज्य जो कि एक प्रकार से धार्मिक राज्य ना हो जैसे कि पाकिस्तान का ऐसा है एक धार्मिक कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री है बट हिंदू की मतलब हिंदुस्तान की बात की जाए जो भारत है अपना उसकी बात की जाए तो वो एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि ऐसा देश जो कि सभी धर्मों को बराबर तरीके से देखे मतलब भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा यही होता धर्मनिरपेक्ष ठीक तो देश का अपना कोई धर्म ना हो ऐसा देश जिस देश का कोई अपना धर्म ना हो कोई निश्चित धर्म ना हो या फिर कोई एक धर्म ना हो उसका कई धर्म हो सभी धर्मों को बराबर दृष्टि से देखता हो तो वही देश क्या हो जाता है धर्मनिरपेक्ष कंट्री हो जाती है तो इसका आप कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे कि जिस राज्य का अपना कोई धर्म ना हो उसके लिए सभी धर्म समान हो किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं अब बात की जाए अगर आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए आगे दूसरा प्रश्न कि क्या भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है सिद्ध कीजिए तो आप कैसे बताएंगे आप बताएंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि क्योंकि है भाई क्योंकि भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है आप देख सकते हैं नहीं है यहाँ सभी धर्मों का समान आदर दिया जाता है और धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता भारत में संविधान लागू होने के समय से ही धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया गया है लेकिन 1976 में बैलसामा संविधान संशोधन जब हुआ था इंदिरा गांधी के समयकाल में 1976 सौ ईस्वी में उसके द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान के उद्देशिका में शामिल करके धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि जो है कर दी गई थी कोई भी भारतीय नागरिक अब अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और किसी भी धर्म का प्रत्याग भी कर सकता है उस पर कोई जो है बाउंडेशन नहीं है किसी विशेष धर्म का पालन करने के आधार के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये भलाना हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है पारसी है ईसाई है बौद्ध है किसी भी धर्म का हो सभी धर्मों के साथ बराबर का व्यवहार किया जाएगा लेकिन अभी भी अल्पसंख्यकों के साथ आप देखेंगे तो उनको मौलिक अधिकारों में भी छूट मिलती है अन्य स्थानों पर भी छूट दी जाती है ठीक उनका उसका फायदा मिलता है तो यहाँ पर आपने समझा धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में ठीक आपसे एग्जाम से, से प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण बताइए तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो उसके लक्षण कैसे बताएंगे बल भारतीय संविधान के जो है एकात्मक लक्षण बताइए तो अब उसमें आप दो तीन चार लक्षण बता दीजिएगा पाँच बता दीजिएगा बड़े आराम से पहला बता दीजिएगा कि शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में था और दूसरी क्या है गहरी नागरिकता या भी एकात्मक लक्षण दिखाता है भारतीय संविधान का तीसरा क्या है संसद द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है संसद चूंकि राज्य स्तर पर होती है मतलब देश स्तर पर होती है इसीलिए राज्य का कोई उसमें मुख्यता नहीं होती चौथा मुद्दा क्या है कि संविधान जो है संकट काल में एकात्मक होता है पाँचवा मुद्दा क्या है राज्यसभा को अनुच्छेद दो के तहत विशेषाधिकार भी प्राप्त है छठवां मुद्दा आप बता सकते हैं कि राज्यपाल मतलब राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है इसीलिए वो केंद्र से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं तो इसीलिए एकात्मक है भारतीय संविधान ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद भी बनाई जाती हैं संवैधानिक संसाधनों में संघ को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं राज्यों की केंद्र पर निर्भरता भी होती है संघ शासित प्रदेशों पर संघ का पूर्ण नियंत्रण होता ही है तो ये कई प्रकार की चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए तो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जो भी बातें थी आगे थोड़ा सा हम और बढ़ते और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं अगला प्रश्न क्या है भाई अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग क्या है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं आपसे प्रश्न क्या पूछा गया कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं तो भाई सबसे पहले आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार किसमें है तो हमने सिलेबस डिस्कशन में बता दिया था कि भाग तीन के अंतर्गत किसमें भाग तीन में आपका मौलिक अधिकार संकलित है और भाग तीन को क्या कहा जाता है मैगना कार्टा भी कहा जाता है मैगना कार्टा के नाम से भाग तीन को जाना जाता है और भाग तीन की अगर मैं बात करूं तो ये अनुच्छेद बारह से लेकर के अनुच्छेद पैंतीस अनुच्छेद बारह से लेकर के अनुच्छेद पैंतीस तक जो है भारतीय संविधान में भाग तीन है इसी में मौलिक अधिकारों को बताया गया है तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है तो मौलिक अधिकारों की संख्या मुख्य रूप से बताई जाए तो कितनी है छः है भैया पहला मौलिक अधिकार कौन सा पहले सात मौलिक अधिकार हुआ करते थे लेकिन अब जो है संपत्ति का अधिकार जो है जो सातवा अधिकार था संपत्ति का अधिकार उसको एक विधि का अधिकार बना दिया विधि का अधिकार मतलब क्या होता है कानूनी अधिकार बना दिया गया है तो ऐसे में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई ऐसे में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा ऐसे में आपको यही देखना पड़ेगा कि आखिरकार आपके मौलिक अधिकार इस समय कितने हैं तो जब भी आपसे पूछा जाए कि नागरिकों के भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं इस समय तो लगभग आपको बता देना कि है कि छः मौलिक अधिकार प्राप्त हैं पहला मौलिक अधिकार क्या भाई पहला मौलिक अधिकार क्या है समानता का अधिकार कौन सा अधिकार है समानता का अधिकार है और समानता का अधिकार देखेंगे अनुच्छेद चौदह से अनुच्छेद अठारह तक आप देखेंगे समानता का अधिकार ही होता है और अनुच्छेद चौदह में बातें बताई जाती हैं हालाँकि क्या क्या बातें बताई जाती हैं उसको हम विस्तार से किसी दिन चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन सी बातें उसमें बताई गई हैं क्या क्या चीज़ें हैं तमाम सारी चीज़ें तो उसको आप देख लीजिएगा हालांकि जो है चौदह में क्या बताएगा कि विधि के समक्ष समता समानता का अधिकार है विधि के समक्ष समता मतलब विधि जो होगी मतलब कानून जो होगा वो सबके लिए क्या होगा बराबर होगा ये बातें बताई गई हैं तो कानून क्या होगा सबके लिए बराबर होगा ऐसी बातें यहाँ पर बताई गई तो समानता का अधिकार पहला अधिकार है जो कि अनुच्छेद चौदह से लेकर के अनुच्छेद 18 तक जो है समानता का अधिकार है दूसरा अधिकार जो है आपका वो कौन सा है भाई दूसरा अधिकार जो है वो कौन सा है दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद उन्नीस से लेकर के अनुच्छेद बाईस तक है कौन सा अधिकार भाई कौन सा अधिकार है तो स्वतंत्रता का अधिकार है वैसे बता दूँ अनुच्छेद पंद्रह में भी आप समझते होंगे जो है धर्म जाति लिंग जन्म स्थान इन सभी के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति में ऐसा जो है अनुच्छेद पंद्रह में बताया गया है तो आप देखेंगे उसको सामाजिक समानता भी बोल सकते हैं अनुच्छेद जो है सोलह में अवसर की समानता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद सत्रह में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है जो कि लगातार परीक्षा एस एस वगैरह में खूब पूछा जाता है और अनुच्छेद अठारह में उपाधियों का अंत भी किया गया है जिसमें जैसे पद्म रत्न मतलब पद्म विभूषण पद्म श्री पद्म भूषण भारत रत्न इन सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है ठीक है स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा है उसमें उन्नीस से लेकर के बाईस तक हमने आपको बताया उन्नीस में क्या है उन्नीस में कई बातें बताई गई हैं उसमें आप एक भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे तो बिचारा भी व्यक्ति की स्वतंत्रता उसमें बताई गई है ठीक और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्नीस के ए में है और उन्नीस के दो में क्या है भाई उन्नीस के दो में क्या है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन आप कर सकते हैं सी कहता है उन्नीस का कि समुदाय और संघ का निर्माण आप कर सकते हैं और डी कहता है उन्नीस का कि भ्रमण की स्वतंत्रता आप कहीं पर घूम सकते हैं पूरे भारत देश में और अनुच्छेद डी कहता है आपका सॉरी जो है ई कहता है निवास आप कहीं पर कर सकते हैं भारत के सीमा के अंतर्गत बिना किसी रोक टोक के और आपका जो है ई के बाद में क्या होता है ई एफ ई एफ कहता है आपका व्यवसाय की स्वतंत्रता जो होती है आप कहीं पर बस करके व्यवसाय भी कर सकते हैं तो ये बातें बताई गई मौलिक अधिकारों में ठीक है इसी के बाद में तीसरा जो अधिकार आपका आता है वो कौन सा है भाई तीसरा अधिकार आपको पता होगा तीसरा अधिकार जो है वो कौन सा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार शोषण का विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसका अनुच्छेद पच्चीस से लेकर के <Vienna aparece> <ecclesained> तीसरा तीसरा, तीसरा हमने क्या होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तीसरा क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद पच्चीस से लेकर के अनुच्छेद अट्ठाईस तक क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और उसके बाद में जो आपका पड़ेगा उसके बाद में जो पड़ेगा आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या पड़ेगा तीसरा पड़ेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद पच्चीस से लेकर के अट्ठाइस तक ठीक पच्चीस से लेकर के अट्ठाइस तक वैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उससे पहले आप बता दीजिए क्योंकि शोषण का विरुद्ध का अधिकार जो है अनुच्छेद तेईस से चौबीस तक है तो हमने पहले वही बताया था तो तीसरा क्या बता सकते हैं आप शोषण के विरुद्ध अधिकार बताइएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद तेईस से लेकर के अनुच्छेद चौबीस तक कौन सा है शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें क्या है भाई इसमें क्या है तेईस से चौबीस में इसमें जो है जो है जो शोषण होता था पहले बालकों का जैसे कि अनुच्छेद तेईस में बताया गया है कि मनुष्य के क्रय विक्रय और बेकार श्रम पर इसमें रोक लगाया गया है कि कि किसी व्यक्ति को आप बेच नहीं सकते हो बेकार में श्रम वगैरह नहीं करवा सकते हो ये सारी बातें और दूसरा क्या है इसमें जो अनुच्छेद चौबीस में क्या बातें बताई गई हैं कि चौदह वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों खानों खानो या अन्य किसी जोखिम भरे काम कोई व्यक्ति जो है नहीं करवा सकता इनसे या विधि के अनुसार क्या है दंडनीय है ये बाल श्रम निषेध करता है यह कानून ठीक तो अनुच्छेद तेईस चौबीस हो गया उसके बाद में अनुच्छेद मतलब जो है चौथा मौलिक अधिकार कौन सा है आपका चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद पच्चीस से लेकर के अनुच्छेद पच्चीस से लेकर के अनुच्छेद अट्ठाइस तक की बातें बताई गई हैं अनुच्छेद पच्चीस कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मुख्य रूप से इसमें बताया गया है कि क्या बताया गया भारतीय इसमें क्या बताया गया भाई अनुच्छेद पच्चीस में अनुच्छेद पच्चीस में कहा गया धार्मिक आचरण एवं प्रचार की स्वतंत्रता आप किसी भी धर्म को मान सकते हो और साथ ही साथ आचरण कर सकते हो किसी प्रकार का प्रचार कर सकते हो अपने धर्म का ये सब बातें बताई गई हैं दूसरा क्या बताया गया अनुच्छेद छब्बीस में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है कि आप धार्मिक कार्य वगैरह कर सकते हैं अनुच्छेद छब्बीस के तहत उसके बाद में जो अनुच्छेद सत्ताईस है उसके अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धार्मिक कार्य में चंदा दे सकता है अथवा नहीं दे सकता है इस मामले में शासन द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा इसमें चंदे से प्राप्त होने वाली आय को कर से भी मुक्त रखा जाएगा ये बातें अनुच्छेद सत्ताईस में बताई गई हैं अनुच्छेद अट्ठाइस कहता है कि किसी भी शिक्षण संस्था में किसी धर्म विशेष की शिक्षा देने के लिए राज्य के निधि से धन नहीं दिया जाएगा और ना ही किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाएगा कि आप यही पढ़ो आपको यही पढ़ना पड़ेगा मान लेते हैं मुस्लिम है या तो उसको संस्कृत पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए या कोई हिंदू है तो उसको मदरसे में उर्दू पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए ऐसा नहीं हो सकता और जो पाँचवा मौलिक अधिकार आपका है वो कौन सा है भाई पांचवा मौलिक अधिकार अगर मैं बताना चाहूँ तो पांचवा मौलिक अधिकार आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद जो है उनतीस से लेकर के अनुच्छेद उनतीस से लेकर के अनुच्छेद तीस तो अनुच्छेद उनतीस और अनुच्छेद तीस में संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार दिया गया है इसमें मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद उनतीस और तीस अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान करवाता है तो अनुच्छेद उनतीस कहता है क्या कहता है अल्पसंख्यक के वर्ग के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद उनतीस कहता है अनुच्छेद उनतीस के तहत बताया गया है कि हर वर्ग के नागरिकों की अपनी भाषा अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं चाहे वो किसी भी वर्ग के हों और इसके साथ ही साथ किसी भी राज्य की सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश बिना भेदभाव के पा सकते हैं और अनुच्छेद तीस कहता है जो है यह व्यवस्था प्रदान करता है कि किसी भी धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है तथा तो यह भी अधिकार प्राप्त है कि राज्य शिक्षण राज्य किसी शिक्षण संस्था को अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है मतलब सभी को भेदभाव नहीं करेगा सभी शिक्षण संस्थाओं को बराबर तरीके से ट्रीटमेंट करेगा और अगला जो आपका मौलिक अधिकार होता है अछठवा मौलिक अधिकार वो क्या है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद बत्तीस है इसीलिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं वो क्या कहते हैं इसको संविधान की आत्मा के नाम से भी जानते हैं अनुच्छेद बत्तीस को क्योंकि अनुच्छेद बत्तीस में जो है पाँच प्रकार की रिट आप देखेंगे यह संविधान का हृदय आत्मा कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है संविधान अगर संविधान में आपके मौलिक अधिकार जो है इनका हनन होता है मौलिक अधिकारों का मौलिक अधिकारों को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है या मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है कहीं पर तो इसके खिलाफ़ आप जो कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे या मौलिक अधिकारों को कैसे आप ग्रहण कर सकते हैं इसको लेकर के पाँच प्रकार के जो है रिट जारी किए जाते हैं पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण दूसरा होता है परमादेश तीसरा है प्रतिषेध चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है आपका अधिकार परीक्षा ये पांच प्रकार के रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष को मान लेते हैं बंद कर दिया गया और उसको चौबीस घंटे के अंदर भीतर जो है न्यायालय में नहीं पेश कर दिया गया उसको नज़रबंद कर दिया गया अब उसके जो है बंदी अगर चौबीस घंटे तक थाने में बंद रहता है और जेल में उसको नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो आप जो है जो आपकी मतलब जो बंदी है उसके घर वाले या उसके नात रिश्तेदार या उसका वकील जो है न्यायालय में जाकर के जो है प्रकार से बंदी को प्रत्यक्ष करने के लिए कोर्ट में बुला सकता है तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगा बुलाएगा कि और वीडियो कॉलिंग वगैरह से नहीं वहां पर ले जाओ वहां पर जो है न्यायालय में पेश करो कि हाँ ये व्यक्ति है और उसका कारण बताओ कि आखिरकार इसको चौबीस घंटे तक क्यों रखा गया थाने में मतलब इसका पूरा का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा परमादेश मतलब क्या होता है परमादेश का मतलब होता है कि भारतीय संविधान में एक प्रकार से इस प्रकार का लेख तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों का निर्वाह नहीं करता है तब परमादेश लेख के द्वारा उसके उस व्यक्ति को उसके कार्य मतलब पालन जो किया जाएगा मतलब उसका कार्य कर्तव्य पालन उसको आदि मतलब एक प्रकार से बताया था कि आपको यही चीज़ करना है प्रतिषेध का मतलब ये होता है एक प्रकार से यह आज्ञा पत्र होता है प्रतिषेध इसके द्वारा जो बड़े न्यायालय होते हैं वह छोटे न्यायालयों को क्या करते हैं एक आदेश जारी करते हैं कहते हैं कि जो है जो मामला आप देख रहे हो उसको अपने यहाँ पर कार्रवाई ना करो उसको उस मामला थोड़ा सा बड़ा है वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता उसको मेरे पास भेज दो तो एक प्रकार से ये प्रतिषेध लेख हो गया नेक्स्ट जो आपका चौथा उत्प्रेषण उत्प्रेषण मतलब होता है या भी एक प्रकार से आज्ञा पत्र के तौर पर काम किया जाता है इसका मतलब इसमें भी वही चीज़ होती है जब किसी विवाद को छोटे न्यायालयों से बड़े न्यायालय में भेजा जाता है जिससे वह अपने अधिकार क्षेत्र में ही कार्य करें अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें ये उत्प्रेषण होता है लगभग लगभग उत्प्रेषण एक सा होता है लेकिन वो उसमें जो प्रतिषेध में बड़े न्यायालय खुद ही मांगते हैं मुद्दों को लेकिन जो उत्प्रेषण होता है इसमें छोटे न्यायालय न्यायालयों के द्वारा बड़े न्यायालय में भेजा जाता है छोटे न्यायालय भेजते हैं जो है उत्प्रेषण में जबकि प्रतिषेध में क्या होता है बड़े न्यायालय कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारे दायरे से बाहर है ये केस मुझे दे दो नेक्स्ट जो अगला आपका पांचवा अधिकार परीक्षा अधिकार परीक्षा में ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि यदि उस प्रश्न का मतलब वह संतोषजनक उत्तर देता है जो न्यायालय के द्वारा पूछा गया है तो उसको एक प्रकार से उसके द्वारा मतलब जो है बरी कर दिया जाएगा बाकी अगर नहीं बता पाता तो उसको भी दंड का प्रावधान किया गया है मतलब मान लेते हैं कि कोनो डॉक्टर है और कोई डॉक्टर है और मतलब उसको जो है डॉक्टर की डिग्री नहीं मिली है डॉक्टर सही तरीके से बना नहीं है लेकिन उसको पता है कि डॉक्टरी कैसे की जाती है तो वह व्यक्ति मतलब डॉक्टर है नहीं डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई केस कर देता है कि हाँ कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं फिर भी ये डॉक्टरी कर रहा है या फिर ये व्यक्ति जो है ऐसा है डॉक्टरी कर रहा है ये रिस्की काम हो सकता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ऐसी स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी कोर्ट होगी वह क्या करेगी उसके खिलाफ केस कर सकती है तो ये था जो एक प्रकार से मौलिक अधिकार जो कि हमने आपको विस्तार से समझा दिया हालांकि आने वाले समय मौलिक अधिकारों का चैप्टर बता दूंगा फिर भी हमने यहाँ पर विस्तार से आपको समझा दिया ठीक तो ये हो गया आपका नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने है भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के चार दोष बताइए एग्जाम से प्रश्न कई बार ऐसे पूछ सकता है कि जो है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के चार दोष बताइए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ लिया गया आपके एग्जाम से में। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ओके okay? क्या है पूछा गया है, है भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के चार दोष बताइए अब संविधान संशोधन के जो है किस अनुच्छेद के तहत होता है तो अनुच्छेद तीन सौ अड़सठ के तहत होता है भारतीय संविधान में संशोधन अब इसकी प्रक्रिया में चार दोष हैं उन चार दोष जैसे पहला दोष आप क्या बता सकते हो इसमें पहला दोष ये बता सकते हो कि राज्य विधानमंडलों से पुष्टि की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है दूसरा क्या बता सकते हो कि साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में के मतभेदों को दूर करने की कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के तहत दूसरी बात अब इसका दोष क्या है संशोधन प्रक्रिया का दोष कि संविधान में संशोधन हेतु तो विधानमंडलों के पास पहल की शक्ति नहीं है मतलब जो विधानमंडल होते हैं विधानमंडल समझते हैं ना विधानसभा और विधान परिषद जिसमें होते हैं राज्य के विधानमंडल और विधान परिषद इनका इनकी कोई शक्ति नहीं होती उसमें उसमें संसद क्यों कानून बनाती है मतलब राज्य कानून नहीं बनाते हैं तो संसद कानून बनाती है इसलिए इस मतलब इसके लिए दिक्कत होती है कभी कभी तो ये एक प्रकार से इसका दोष मान सकते हैं आप नेक्स्ट चौथा दोष क्या बता सकते हैं वो आपकी संविधान संशोधन विधेयकों पर जनमत संग्रह की व्यवस्था भी नहीं है उसका भी एक प्रकार से अभाव है इसलिए चार दोष आप बता सकते हो बड़े आसानी से आपसे एग्जाम से और भी प्रश्न पूछ सकता है कि संविधान की उद्देशिका से क्या स्पष्ट होता है मान लेते ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की उद्देशिका से क्या स्पष्ट होता तब तो क्या बताएंगे आप सीधे बताइएगा उसकी उसकी जो है एक प्रकार से उद्देशिका सबसे पहले क्या है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य it. दूसरी बात क्या है कि राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक न्याय देता है भारतीय सम मतलब भारतीय संविधान तीसरी बात क्या है स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व को बढ़ावा देता है भारतीय संविधान के उद्देश्य का चौथी बात क्या है कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर बल दे रहा है संविधान की उद्देश्य का पाँचवीं बात इसमें महत्वपूर्ण की है कि संविधान को अंगीकृत संविधान को अंगीकृत करने की जो शक्ति है यह भी एक प्रकार से जो है उद्देश्य से स्पष्ट हो जाती बातें तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो कि इंपॉर्टेंट थी जो कि हमने आपको बता दी ये संविधान के स, जो है स, लगभग संबंधित बातें थी ठीक तो इसको आपने समझ लिया सारी बातें नीति तो तो आपको विस्तार से उसमें ही बता दिया था कि क्या क्या चीजें हालांकि नीति में एक एक सिद्धांतों को एक एक चीजों को हमने विस्तार से नहीं समझाया था लेकिन जल्द ही आपके सामने वह भी वीडियो देने का प्रयास रहेगा तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार से जुड़े रहे हमारे साथ और जो है अपने आप को एक प्रकार से अच्छे तरीके से जो है टटोलते रहें और अपने आप अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न ये मॉडल पेपर मैं चर्चा कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का बीए फर्स्ट सेमेस्टर की दृष्टि से ओके अगला है आपका राष्ट्रपति की विधाई शक्तियाँ बताइए राष्ट्रपति की विधाई विधाई मतलब होता है कानूनी विधाई माने क्या होता है कानूनी शक्तियाँ माने पावर्स तो जो जो एक प्रकार से जो कानूनी पावर्स होती हैं कानूनी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास उसके बारे में आपसे पूछ रहा है तो आप पहली शक्ति क्या बताएंगे पहली शक्ति तो यही है राष्ट्रपति की कि अधिवेशन बुला सकते हैं और सत्रावसान कर सकते हैं तो अधिवेशन बुलाना हुआ सत्रावसान करना हुआ ये एक विधाई शक्तियाँ हो सकती है दूसरी शक्ति आप क्या बता सकते हो कि आरंभिक जो है अभिभाषण जो होता है राष्ट्रपति का ही होता है तीसरा जो है आप बता सकते हो क्या कि लोकसभा को भंग करना हुआ तो भी राष्ट्रपति करता है चौथा आप बता सकते हो इसकी विशेषता मतलब इसके जो है क्या शक्तियाँ क्या है इसकी मतलब राष्ट्रपति की विधाई शक्तियाँ संदेश भेजने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है पाँचवा इसका विधायी अधिकार यही यह होता है कि सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति इसमें होती जो राज्यसभा और लोकसभा में मनोनीत होते हैं जो सांसद वो राष्ट्रपति ही करते हैं और छठवां मुद्दा यहां पर आप क्या हो सकता है क्या कि संसद के समक्ष जो है प्रतिवेदन रखना हुआ तो कौन रखेगा राष्ट्रपति ही रखेगा सातवां आप बता सकते हो इसका जो है कि वित्त विधेयक के लिए पूर्व मंजरी मंजूरी जो होता है कौन देता है राष्ट्रपति देता है आठवां आप बता सकते हो कि विधायकों मतलब जो विधेयक होते हैं उन विधेयकों पर मंजूरी या निषेधाधिकार विधेयकों को मंजूर करना है जैसे कि मान लेते हैं कोई जो है एक प्रकार से कानून बनाना हुआ तो वो मान लेते विधेयक जो है वह लोकसभा में गया फिर राज्यसभा में गया दो तिहाई बहुमत से दोनों जगह पारित हो गया उसके बाद में जाएगा सबसे बाद में लास्ट में कहाँ पर राष्ट्रपति के पास अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको पारित करे मतलब उसको मंजूरी दे दे और चाहे तो वो उसको क्या करे वो मतलब कि उसको लौटा दे वापस कर दे तो ये उसका मतलब होता है जो भी बीट होता है वो उसको उठा करके अंदर रख ले कई प्रकार की शक्तियां होती हैं नौवा आप क्या बता सकते हो राष्ट्रपति का कि राज्यपाल के द्वारा सुरक्षित विधेयकों पर विचार भी राष्ट्रपति ही करता है और दसवा बता सकते हो क्या कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति हुआ तो जब आपातकाल की स्थिति हो तो अध्यादेश कौन जारी करता है राष्ट्रपति जारी करता है तो इस प्रकार से इसकी शक्तियों के बारे में हमने आपको बता दिया नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में भाई अगला जो प्रश्न है आपके सामने भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को मतलब आपातकाल को कब लागू किया गया था तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था भाई तो भारत में पहली बार मतलब तीन बार लागू किए गए हैं लगभग जो है अब तक राष्ट्रीय आपातकाल तो भारत में पहली बार बात की जाए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो हुई थी वह जो है चीनी आक्रमण के समय हुई थी और चीनी आक्रमण कब हुआ था उन्नीस सौ बासठ ईसवी में आपको पता होगा भारत चीन युद्ध जब चल रहा था उस समय चीनी आक्रमण के समय में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी दूसरी बार जो है एक प्रकार से और समाप्त कब की गई थी तो जो प्रारंभ की गई थी उन्नीस सौ बासठ में प्रारंभ की गई थी और उसके चार साल के बाद में जो है बासठ के चार साल बाद में कितना हो जाएगा बासठ और चार लगभग छः सॉरी छः साल के बाद में छः साल के बाद में जो है समाप्त की गई मतलब उन्नीस सौ अड़सठ ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया था ठीक है आ, किसको आपातकाल को तो, तो छः सालों तक यह चला और दूसरा जो आपातकाल लगा था दूसरा आपातकाल की मैं बात करूँ दूसरी बार आपातकाल जब लगा था वो उन्नीस सौ पैंसठ के समय लगा था और जो है जो है प्रकार से तीसरी बार जो लगा था सॉरी उन्नीस से लगा था और उन्नीस सौ इकहत्तर ईस्वी में जब पाक युद्ध के दौरान आपातकाल लागू किया गया था उन्नीस और उन्नीस में दो बार ठीक मतलब मतलब एक ही बार ये मान सकते हैं आप और तीसरी बार कब लागू हुआ था तीसरी बार जो लागू हुआ था वो लागू हुआ था उन्नीस सौ ईस्वी में कब लागू हुआ था उन्नीस सौ ईस्वी में लागू हुआ था उन्नीस सौ पचहत्तर ईस्वी में आंतरिक अशांति के आधार पर जो है इंदिरा गांधी ने लगाया था इमरजेंसी मतलब आपातकाल लगा दिया था तो ये राष्ट्र राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी इन सभी मतलब को मार्च उन्नीस सौ सतहत्तर में समाप्त घोषित कर दिया गया था तो उन्नीस सौ सतहत्तर ईस्वी में मुख्य रूप से इन सभी को क्या कर दिया गया था मतलब जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था इनके द्वारा समाप्त कर दिया गया था तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल ये चीज़ें हैं जो हमने आपके सामने रखी आपसे पूछ सकता है अनुच्छेद तीन सौ छप्पन के बारे में क्या है तीन सौ छप्पन तो जब किसी राज्य में कोई दल अस्थाई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता है या राज्य में क्या हो उस राज्य में सरकार संविधान के अनुसार कार्य ना कर रही हो तो राष्ट्रपति उस राज्य में अनुच्छेद तीन सौ छप्पन के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है तो अनुच्छेद तीन सौ छप्पन मुख्य रूप से राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और जब संसद का सत्र या फिर जो है वहां पर विधान का सत्र नहीं चल रहा होता है तब राष्ट्रपति जो है वहाँ पर राज्यपाल के हाथ में सारी शक्तियों को दे देता है और राष्ट्रपति वहाँ के कार्यभाल को समझ लगता है और लगभग बात की जाए तो इसके अंतर्गत बात की जाए छः महीने तक जो है ये होता है छः महीने तक एक बार में लगा सकती है ओके ये बातें यहाँ पर आप समझ सकते हैं तो ये है तीन सौ छप्पन ठीक इतनी बात क्लियर हुई आपकी इतनी बात क्लियर हो गई तो यहाँ तक आपने समझ लिया सारी बातें अगर आपसे पूछे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बताइए तो क्या बताएंगे राष्ट्रपति की तो हमने बता दी प्रधानमंत्री की शक्ति पूछे तो क्या बताएंगे तो प्रधानमंत्री की भी सकते हैं जैसे कि प्रधानमंत्री जो होता है मंत्री परिषद का निर्माण कौन करता है प्रधानमंत्री ही करता है दूसरी शक्ति इसकी आप बता सकते हो दूसरी क्या है भाई मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं परिवर्तन करना हुआ तो भी कौन करेगा प्रधानमंत्री यानी पी ही करेगा तीसरी आप क्या बता सकते हो तीसरी चीज़ कि मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा हमेशा प्रधानमंत्री ही करेगा चौथी बात यह है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के जो बीच में जो एक संपर्क की कड़ी होता है वो कौन ही होता है तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संपर्क की कड़ी का कार्य करता है कौन प्रधानमंत्री और जो है अगला जो मुद्दा है वो क्या है अधिवेशन बुलाना हुआ जो है सत्रावसान करने की सिफारिश वगैरह राष्ट्रपति से कौन करता है तो ये प्रधानमंत्री ही करता है छठवीं बात आप बता सकते हो कि लोकसभा भंग करने की सिफारिश जो होता है कौन करता है राष्ट्रपति से तो कौन करता है ये राष्ट्रपति ही कहता है मतलब राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से कहता है कौन? तो ये कहता है कौन क्या नाम है इसका प्रधानमंत्री जो हम अभी समय चर्चा कर रहे हैं ओके और नेक्स्ट आप और भी बता सकते हो प्रधानमंत्री का कार्य मंत्री परिषद की बैठक वगैरह बुलाना हुआ तो ये सब क्या कौन करेगा सब प्रधानमंत्री करेगा वैदेशिक संबंधों का संचालन करना हुआ तो तमाम सारी चीज़ें हो गई ठीक वैदेशिक मतलब जो विदेश संबंधी जो संचालन है क्या चीज़ें होंगी कैसे क्या तो कुल मिलाकर के लोकसभा मुख्य रूप से किसके प्रति लोक मतलब लोकसभा जो होती है मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ठीक इस बात भी ध्यान रखेंगे इतनी चीजें हो गई अगला प्रश्न आपका क्या है अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिए फटाफट से अगला प्रश्न देखने का प्रयास करिए फटाफट से ओके अगला प्रश्न क्या है बताएं फटाफट से अगला प्रश्न आपके सामने है भारत में ये तो होगा राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था अगला प्रश्न आपके सामने राज्य राज्यपाल के कार्य बताइए राज्यपाल के कार्य को लेकर के प्रश्न पूछा गया तो राज्यपाल का, का कार्य क्या है भाई सबसे पहला कार्य तो यही है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल ही करता है दूसरी बात आप बता सकते हो कि विधानमंडल का अधिवेशन बुलाना हुआ तो कौन बुलाएगा तो राज्यपाल ही बुलाएगा तीसरे बात क्या हुआ कि विधानमंडल मतलब विधानसभा को भंग करना हो तो कौन करेगा राज्यपाल ही करेगा चौथा क्या हुआ जो है मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना हो मंत्रिमंडल को ख़त्म करना हो तो कौन करेगा राज्यपाल ही करेगा पांचवा बा, पांचवी बात यही है कि जो है राष्ट्रपति को रा, राज्य की ताज़ा स्थिति से अवगत करवाएगा कौन राज्यपाल ही करवाता है कि राज्य में क्या चल रहा है वो राष्ट्रपति को कौन बताता है राज्यपाल बताता है क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति ही की जाती है छठवीं बात इसमें यह हो सकती है राज्यपाल के कार्य को लेकर के कि राज्यपाल जो होता है विधानसभा अध्यक्ष को संदेश एवं निर्देश भी भेजता है कौन राज्यपाल ही भेजता है सातवा जो है इसका कार्य क्या होता है कि विधानसभा की कार्रवाई के लिए जो पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल ही करता है यह बात ध्यान रखेंगे तो राज्यपाल की इतनी सारे कार्य हो गई ठीक इतनी चीज़ें क्लियर हो गई इतनी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई आगे आपसे पूछे कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि मंत्री परिषद का गठन करते हुए राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन करते हुए या फिर किसी भी मंत्रिपरिषद का गठन करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो सबसे पहले विश्वास पात्र को स्थान देना चाहिए दूसरी बात क्या विश्वास पात्र स्थान होना चाहिए पहली बात मंत्रिपरिषद का कर गठन करते समय दूसरी बात योग्य सदस्यों को स्थान देना चाहिए तीसरी बात प्रभावशाली को स्थान देना चाहिए जो कि प्रभावशाली हो चौथी बात क्या गठबंधन में शामिल दलों को स्थान देना चाहिए पाँचवीं बात जाति छठवीं बात धर्म सातवीं बात क्षेत्रीयता और आठवीं बात विभिन्न गुटों को स्थान देना चाहिए

विधान परिषद जो, जो होती है इसी को क्या कहते हैं विधान परिषद को ये एम जो होती हैं विधान परिषद में बैठते हैं ये एम जो होती हैं विधान सभा में बैठते हैं तो कुछ ऐसे जो है प्रदेश हैं जहाँ पर क्या है विधान सभा और विधान परिषद दोनों है क्या है विधान सभा और विधान परिषद दोनों है तो उन जो है राज्यों की अगर मैं बात करूँ तो उनमें कौन कौन से राज्य आते हैं तो ऐसे आप लिख दीजिएगा जो है विधान द्विशक विधानमंडल जो होता है कुछ प्रदेशों में ही है वहाँ पर क्या होता है उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है और निम्न सदन को कौन क्या कहा जाता है विधानसभा कहा जाता है और विधा उच्च सदन विधान उच्च सदन विधान परिषद को क्यों कहा जाता है चूँकि विधान परिषद जो होती कभी भंग नहीं होती जबकि जो विधानसभा होती वह हर पाँचवें वर्ष भंग होती है मुख्यमंत्री जो जब नए बदलते हैं तो उससे उसके कारण से क्या होती है वैसे बदले या फिर वही रहे तो भी विधान जो सभा होती है उसमें जो है एक प्रकार से परिवर्तन ज़रूर आ जाता है मतलब भंग होती है हर पाँचवें साल ठीक इसमें जैसे विधानसभा और विधान परिषद कहाँ कहाँ पर है किन किन प्रदेशों में और हैं मतलब ये जो है जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं तो कौन कौन से प्रदेश हैं उनमें उत्तर प्रदेश हो गया सबसे पहला बात उत्तर प्रदेश हो गया बिहार हो गया अपना जम्मू कश्मीर कर्नाटक महाराष्ट्र में भी है हाँ बिल्कुल आंध्र प्रदेश में है और साथ ही साथ तेलंगाना में भी है तमिलनाडु राजस्थान और पंजाब में विधान परिषद गठन के लिए प्रक्रिया जारी है मतलब प्रक्रिया तमिलनाडु में राजस्थान में और पंजाब में चालू है वहाँ पर जल्द ही जो है विधान परिषद हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर भी अब कार्य संभालने के लिए होना जरूरी है ओके तो ये तमाम सारी चीज़ें थी जो हमने आपको बता दी आगे थोड़ा सा और बात करेंगे हम किसके बारे में आगे थोड़ा सा और बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई सही सही बताइए फटाफट से अगला प्रश्न क्या है आपका अगला प्रश्न आपके सामने है न्यायिक सक्रिय क्या है न्यायिक सक्रियतावाद से आप क्या समझते हैं न्यायिक सक्रियतावाद क्या है भाई न्यायिक सक्रियतावाद का क्या आशय है आपसे पूछ रहा है प्रश्न तो संविधान अगर मैं बात करूं न्यायिक सक्रियतावाद से आ, क्या मतलब है क्या आशय है तो संविधान कानून और अपने दायित्वों के प्रसंग में कानूनी व्याख्या से आगे बढ़कर के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों तथा न्याय की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए संविधान और कानून की रचनात्मक व्याख्या करते हुए जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना ही क्या कहलाता है न्यायिक सक्रियतावाद कहलाता है इसके अंतर्गत यह शामिल है कि जन सामान्य के हितों के लिए कार्य किए जाते हैं उनको जो उनके हित होते हैं जन सामान्य के हित होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आवश्यक जो है प्रकार से शासन को दिशा निर्देश देना या शासन की स्वैच्छाचारिता पर रोक लगाना न्यायपालिका ही ही कार्य होता है तो कहीं ना कहीं पे ये तमाम सारी चीज़ें मतलब न्यायपालिका का मतलब यही होता है कि न्यायपालिका अपने आप में सक्रिय रहे तमाम सारी चीज हमेशा देखे जिससे लोग कल्याण हो सके ऐसा न्याय दे या फिर ऐसी व्यवस्था करे ऐसे कानूनों पर बल दे मतलब जो कानून न्याय प्रिय हो उन सभी चीजों पर तो यही होता है न्यायिक सक्रियता आप बता सकते हैं बड़े आसानी से ठीक तो ये होगा आपका न्यायिक से अब आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं अब अगला आपका आ गया अतिलग उतरी प्रश्न आते लघोत्तरी प्रश्न जो है ये थोड़ी तो थो, मतलब सॉरी आते लघोत्रीय प्रश्न हो गए अब लगोत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न ये थोड़े बड़े बड़े होंगे तो इनको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए वीडियो बड़ा लंबा हिंच जाएगा तो इनको हम समझेंगे जब हम चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे तो जब हम उसमें विस्तार से आपको बता देंगे ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला केवल पाँच प्रश्न आपको करने हैं खंड बा जो है उसमें केवल पाँच प्रश्न करने हैं आठ प्रश्न आपको दिए होंगे प्रत्येक उत्तर जो है लगभग आपको कितने शब्दों में देना है दो सौ शब्दों में आपको उत्तर लिखना है ठीक है एक प्रश्न कितने शब्दों में आपको लिखना है कितने शब्दों में लिखना है भाई तो दो सौ शब्दों में आपको लिखना है एक उत्तर को ठीक है इतनी बात क्लियर हो गई आपकी इतनी बात क्लियर हुई फटाफट से बताओ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सभी लोग फटाफट से तो चलिए आगे बढ़ा जाए और लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम चर्चा कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न क्या क्या है एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए सभी को सभी लोग सेशन से को कोके चलिए बड़ी ही गंभीरता के साथ आगे बढ़ते हैं पहला प्रश्न आपका लघु उत्तरीय का क्या है क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण बताइए राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों को पूछा गया है तो कारण मैं आपका बता सकते हो हालांकि मैं इस यहाँ पर विस्तार से आपको नहीं समझाऊंगा राष्ट्रीय उदय मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के जो उदय के कारण है उसको हमने समझा दिया था जो राष्ट्रवाद का उदय है इसको एक वीडियो में सेपरेट हमने समझाया उसको देख लीजिएगा पेपर मतलब चैप्टर वन ही है पेपर टू नाम से पढ़ा होगा पेपर टू चैप्टर वन पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट ईयर ऐसा करके हमने वहाँ पर जो है मॉडल मतलब पढ़ाया चैप्टर वन उसको देख लीजिएगा उसमें राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों के बारे में हमने विस्तार समझा दिया है हालाँकि उसमें पहला कारण आप अट्ठारह का स्वतंत्रता संग्राम बता दीजिएगा दूसरा कारण क्या बता सकते हो आप राजनीतिक एकता की स्थापना तीसरा कारण बता सकते हो कि धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण चौथा कारण बता सकते हो पाश्चात्य शिक्षा पांचवा कारण बता सकते हो भारतीय समाचार पत्रों एवं साहित्य का विकास छठवा कारण बता सकते हो उच्च पदों से भारतीयों को अलग रखने की जो नीति अपनाई गई जैसे कि बात की अठारह सौ तिरानबे के अधिनियम में यह कहा गया था कि सरकारी पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर होगी लेकिन अठारह सौ अट्ठावन ईस्वी के अधिनियम में इस योग्यता को समाप्त कर दिया गया तो इससे क्या होता है एक प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना उदय तो होती है लोगों के अंतर्गत ठीक नेक्स्ट क्या है अगला प्रश्न जो है जलियावाला बाग हत्याकांड का वर्णन कीजिए जलियावाला बाग हत्याकांड को लेकर के प्रश्न एग्जाम से बन सकता है तो इसको पढ़ लीजिएगा जलियावाला बाग हत्याकांड क्या है आप सभी को तो शायद पता होगा जलियावाला बाग हत्याकांड क्या है ठीक अगर नहीं पता तो उसको पढ़ लीजिएगा इंपॉर्टेंट है प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जलियावाला बाग हत्याकांड को लेकर के ओके तो जलियावाला बाग हत्याकांड क्या है इसको पढ़ लीजिएगा ठीक बाकी तो मैं बताऊँगा अगर मैं बताना चाहूँ जलियावाला बाग हत्याकांड तो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसको बताने में इसीलिए मैं इसको नहीं समझाने का प्रयास कर पा रहा हूँ जलियावाला बाग हत्याकांड एक प्रकार से थोड़ा सा जटिल टॉपिक भी रहा है और जटिल क्या है बड़ा सहज है लेकिन फिर भी अगर इसको समझेंगे थोड़ा थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा तो अब हम सोच रहे हैं कि जो है सीधे सीधे आपके प्रश्नों को दिखा दिया जाए कि प्रश्न क्या है हालांकि चलिए जलियावाला बाग हत्याकांड अब आप लोग कह रहे नहीं सर जी बताएं तो बिल्कुल बताना पड़ेगा और तो जलियावाला बाघ हत्याकांड जो है आपका तेरह अप्रैल जो है का दिन था तेरह अप्रैल उन्नी उन्नीस का समय है उन्नीस सौ दिन में तेरह अप्रैल का दिन भारत के इतिहास में सदैव सभी लोगों को याद रहेगा हमको भी याद है सभी को आपको भी याद होना चाहिए तो ये दिन ऐसा दिन था जिस दिन क्या हुआ था इसी दिन जो है जनरल डायर था एक व्यक्ति जनरल डायल ने अमृतसर के जलियावाला बाग हत्या मतलब बाग में जलियावाला बाग एक स्थान है वहीं पर एक विशाल सभा थी वहां पर सैकड़ों निर्दोष पुरुष जो है और तमाम सारे लोग थे वहां पर सब लोग क्या कर रहे थे वहां पर जो है कोई मांग वगैरह कर रहे थे धरना दे रहे थे तो वहां पर जो है सैकड़ों निर्दोष पुरुषों और बच्चों की हत्या कर दी थी किसने जनरल डायर ने अमृतसर में जलियावाला बाग में ठीक सन 1919 में सर माइकल ओ डायर पंजाब के गवर्नर थे वे अपनी क्रूरता और दमनकारी नीति के लिए भी प्रसिद्ध थे वे मतलब लगातार वो मतलब एक प्रकार से बड़ा ही एक प्रकार से क्या था मतलब वो नहीं था कि दया उसके लगे और वो आदेश वही आदेश दिया था उसी के आदेश पर 10 अप्रैल 1919 सौ ईस्वी में क्या हुआ अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर जो थे अमृतसर सर के जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने पंजाब के दो प्रसिद्ध कांग्रेसी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अपने बंगले पर बुलाया था और उन्हें अज्ञात स्थान पर नज़रबंद कर दिया अब इन नेताओं की रिहाई के लिए जो था वो अमृतसर की जो जनता थी ना उन्होंने एक जुलूस निकाला था और उसी जुलूस में जो है एक प्रकार से क्या कर दी गई सरकार के द्वारा लाठियाँ और गोलियाँ चलाई गई जिसमें एक प्रकार से लाला लाजपत राय भी थे और कई लोग जो है इसमें मरे बदले की भावना से जनता ने रास्ते में कुछ यूरोपियों को भी मार डाला था सरकार ने तुरंत सेना बुला दी और जनरल रायल को अमृतसर का सैनिक अधिकारी नियुक्त किया गया था और उसी समय उसने क्या किया सभा सम्मेलनों को प्रतिबंध कर दिया और प्रतिबंध लगाने के बाद में तेरह अप्रैल उन्नीस सौ ईस्वी को अमृतसर की जनता ने दस अप्रैल की घटना के विरोध में और अपने नेताओं की रिहाई के लिए जलियावाला बाग में एक सभा का आयोजन किया सम्मेलनों पर प्रतिबंध की सूचना ठीक प्रकार से प्रसारित नहीं की गई जानबूझ करके डार ने क्या कर दिया लोगों को सभा स्थल पर एकत्रित होने दिया और बाग में क्या हुआ जब लगभग बीस हज़ार लोग इकट्ठा हो गए और उस समय जनरल डाय ने 150 सैनिकों जिसमें 100 भारतीय सैनिक थे और 50 अंग्रेज सैनिक थे उनके साथ में सभा स्थल पर सबको भेज दिया और जब सबको भेज दिया सैनिकों को और बिना चेतावनी दिए क्या कर दिया चेतावनी भी नहीं दी कि जो है आप यहाँ से हट जाइए गोलियाँ चलाना शुरू कर दी मेरे प्यारे दोस्तों और गोलियाँ चलाने के बाद में जब गोलियाँ चलती गई जिसमें हज़ारों लोग जो है मारे गए और कई हजार नागरिक घायल भी हो गए जलियावाला बाग हत्याकांड को दीन बंधु एंड्रूज ने कतले की संज्ञा भी दी थी ठीक ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें घायल लोगों को मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया गया था बड़ी प्रकार से मार्मिकता बड़ी जो है एक प्रकार से दायनीय स्थिति उस समय की देखेंगे बड़ा एक प्रकार से बड़ी वो चीज़ें थी जलियावाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने भी एक समिति गठित की थी जिसमें तीनों सदस्य गांधी नेहरू और मालवीय मदन मोहन मालवीय भारतीय ही थे इस समिति ने जनरल डायर की दो को दोषी बताया और कहा कि डायर ने निर्देश लोग निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई थी और जानबूझ कर चलवाई थी लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया इसको लेकर के कई बातें हुई भारतीयों ने तीव्र विरोध इसको किया उसको देखते हुए अंग्रेज सरकार ने भी इस पर काम किया था अंग्रेज सरकार ने पाँच माह के बाद में लॉर्ड हंटर की एक प्रकार से अध्यक्षता में सात सदस्य की एक समिति बनाई थी उस समिति में चार अंग्रेज थे और तीन भारतीय थे हंटर कमेटी जो थी जो थी उसी लार्ड हंटर को बना था तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी हंटर कमेटी ने कहा था 1920 सौ ईस्वी में अपनी रिपोर्ट दी उन्होंने और उसमें जनरल डाल ने कहा था कि जनरल डाल के कारनामों पर लीपापोती भी एक प्रकार से की गई थी हंटर कमेटी में हंटर कमेटी की रिपोर्ट पर उन उसमें लिपापूर्ति करते हुए क्योंकि वहाँ पर लार्ड हंटर जो था अंग्रेजी मतलब वही अध्यक्षता कर रहा था और उसमें चार अंग्रेज थे तीन भारतीय थे इसलिए कहीं ना कहीं पे वहाँ पर भारतीयों की बातों को उठाया नहीं गया दबा दिया गया अंग्रेज़ सदस्य जो बहुमत में थे उन्होंने क्या किया इस कार्यवाही को जनरल डायर की भूल कहा और डायर की गलती की सजा देते हुए उसे पद से हटा भी दिया गया था इस कमेटी के बाद में बाद में गांधी वगैरह जी ने भी बनाई थी मदन मोहन मालवीय गांधी जी और नेहरू ने उसमें उन्होंने जनरल डायर को बहुत ज़्यादा थे ठहरा रहा था ये था एक प्रकार से जो हमने आपको बता दिया तो इसमें बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं थी अगला प्रश्न क्या है आपके सामने आप ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं आप सीधे सीधे आपको यहाँ पर समझिए आप प्रश्न बता देंगे और प्रश्न का उत्तर यहाँ पर अगर बताएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा और प्रश्न का उत्तर आपको दिखा करके मैं बताऊंगा अगला क्या है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत बताइए भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत तो आप सभी को पता होगा स्रोत भारतीय संविधान जो है कई देशों के संविधानों को पढ़ा गया उसको पढ़ने के बाद में हर देशों से अलग अलग देशों से अलग अलग जो है चीज़ें ली गई हैं आप सभी को पता ही होगा क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं तो अगर नहीं पता है तो आप उसको जानिए कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं ठीक तो, तो उसमें बड़ी चीज़ें मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें जैसे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों में आप देखेंगे बड़ी चीज़ें जैसे लगभग बहुत सारी चीज़ें आप जैसे नागरिकता की बात की जाए या फिर बात की जाए जो है अगर मैं बात करूं नागरिकता के साथ ही साथ नागरिकता क्या आप जो है मौलिक अधिकार नीतिषेक तत्व तो जो होगा नीति विषय तत्व कैसे लेगा नीति निरक्षित तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया अमेरिका से यूएसए के और उसके बाद में इसी प्रकार से आप देखेंगे कोई भी चीज़ें बड़ी सारी चीज़ें जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ ब्रिटेन के संविधान से जो है संसदीय शासन पद्धति ली गई है लोकसभा तथा तो विधानसभा के प्रति जो मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है या भी वहीं से लिया गया ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति ब्रिटेन के संविधान से ही संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया जो है पूरी की पूरी तथा उनके सदस्यों के विशेषा अधिकारी जो है उनकी नियुक्तियाँ कैसे की जाएंगी उन मुक्तियाँ सभी को ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है संयुक्त तो राज्य अमेरिका के संविधान से जो है बात की जाए जो कि संविधान कब बना था सत्रह सौ नवासी ईस्वी में ब्रिट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान बना था उसके संविधान से संघात्मक शासन प्रणाली ली गई है मूल अधिकार लिए गए हैं मौलिक अधिकार जिसको आप कहते हैं स्वतंत्र एवं निरपक्ष निष्पक्ष न्यायपालिका अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण की गई हैं न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत जो है वह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से ही भारतीय संविधान में शामिल किया गया है फ्रांस के संविधान की बात की जाए जो चौथा गणतंत्र है उन्नीस सौ छियालीस में जो लागू हुआ वहाँ से क्या लागू किया गया है गणतात्म गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वहां से ली गई है और कनाडा के संविधान से 1946 में जो लागू हुआ है Uh, वहाँ से संघ और राज्यों के मध्य में जो शक्तियाँ हैं उनका विभाजन जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया तत्व को लिया गया है डी पी एस पी डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को, को कहाँ से आयरलैंड के संविधान से लिया गया है वहीं बात की जाए जर्मनी के संविधान से जो कि उन्नीस में आया था और आयरलैंड का संविधान कब बना था उन्नीस में बना था तो जर्मनी का संविधान उन्नीस में जो बना था वहाँ से आपातकालीन जो उपबंध हैं उसको लिया गया था जब जो राष्ट्रपति शासन वगैरह जो लगता है आपात ल की स्थिति जो लगाई गई थी तो वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से सोवियत संघ अर्थात रूस से जो क्या लिया गया है उस समय सोवियत संघ ही था जब जो है रूस का संविधान बना था उन्नीस में मूल कर्तव्य लिए गए वहां से मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको लिया गया है रूस के संविधान से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है उन्नीस सौ ईस्वी में संविधान यहाँ का बना था किसका ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समौर्दी सूची लिया गया है ओके ध्यान रखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है पूर्व की गोरी सरकार जो है जब दक्षिण अफ्रीका का संविधान बना था किसने बनाया था पूर्व की गोरी सरकार ने तो वहाँ से क्या लिया गया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ही ली गई है जापान के संविधान से क्या लिया गया अनुच्छेद इक्कीस की जो शब्दावलियाँ हैं वो जापान के संविधान से ग्रहण की गई हैं भारत शासन अधिनियम उन्नीस सौ पैंतीस से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण की सूचियाँ जो हैं वह सब ली गई हैं भारत शासन अधिनियम उन्नीस से अगर मैं कहूँ सबसे अधिक जो प्रभावित है भारतीय संविधान वहाँ किस देश के संविधान से प्रभावित है या किससे प्रभावित है तो क्या बताएंगे आप 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था जो ब्रिटेन ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था भारत में शासन करने के लिए अधिनियम था एक प्रकार से 1935 का अधिनियम उसी से लगभग बहु सौ से अधिक अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में लिख लिया गया है ठीक ये बात भी ध्यान रखेंगे आपसे पूछे भारत में कितनी अनुसूचियाँ हैं तो कितनी अनुसूचियाँ भाई इस समय बारह अनुसूचियाँ ठीक पहली अनुसूची में क्या है इसमें भारत संघ में शामिल जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो है जगह दी गई है अट्ठाईस राज्य और सात केंद्रशासित जो प्रदेश हैं उनके बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया हालांकि अब थोड़ा सा चेंजमेंट होगा इसमें जो है आठ या नौ लगभग नौ केंद्र शासित प्रदेश आप बोल सकते हो और जो सत्ताईस राज्य ही आप कह सकते हैं तो ये चीजें हो गई हैं उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया हालांकि अनुसूची के बारे में बता देंगे हम किसी दिन विस्तार से अनुसूची क्या है तमाम सारी चीज़ें अब यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देखते हैं यहाँ पर आपके आठ प्रश्न दिए जाएंगे लघुतरी का उसमें से आपको क्यों कितने करने होंगे पाँच ही प्रश्न करने हैं ठीक आगे देखिएगा प्रश्न आपके सामने क्या है आगे प्रश्न आपके सामने है नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों में संबंधों की समीक्षा कीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसको भी आप लोग देख लीजिएगा ठीक है अगला क्या प्रधानमंत्री के सब शक्तिशाली होने के क्या कारण है ये भी एग्जाम से प्रश्न आ सकता है नेक्स्ट क्या मंत्रिपरिषद और विधानमंडल का विधानसभा मतलब विधान परिषद और विधानमंडल या विधानसभा से क्या संबंध है इसको बताइए मैं जल्द ही इन सभी पर वीडियो आपको देने का प्रयास करूंगा उसके बाद न्यायिक पुनर्विलोकन का संवैधानिक आधार बताइए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से केंद्र राज्य संबंधों पर वित्त आयोग की भूमिका का वर्णन कीजिए केंद्र राज्य संबंधों पर वित्त आयोग की भूमिका का वर्णन कीजिए यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो ये सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि लघुतरी से एग्जाम से बन सकते हैं थोड़ा दीर्घोत्तरी के प्रश्नों को देख लेते हैं यहाँ भी इम्पोर्टेंट है दीर्घ उत्तरी के प्रश्न ऐसे बनेंगे आपसे केवल और केवल दो प्रश्न आपको हो करने होंगे दीर्घ उत्तरीय से और पांच प्रश्न लिखे होंगे आपके एग्जाम से में ठीक है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में देना है आपको पाँच सौ शब्दों में देना एक प्रश्न का उत्तर आपको पाँच पाँच सौ शब्दों में देना है इस प्रकार से एक हज़ार शब्दावलियों में यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको पहला प्रश्न क्या है भारतीय संविधान के संघात्मक और रूपात्मक सॉरी संघात्मक और एकात्मक लक्षणों की समीक्षा कीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला प्रश्न क्या है एग्जाम से पूछा जा सकता है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की रच, रचना एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए यह भी इंपॉर्टेंट है सर्वोच्च न्यायालय किसे कहते हैं उच्चतम न्यायालय जिसको कहते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है अगला प्रश्न क्या है अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है यह डॉक्टर बेनी प्रसाद का कथन है इसकी समीक्षा करने के लिए एग्जाम से प्रश्न बनेंगे ठीक अगला प्रश्न क्या है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम से बनेगा ही बनेगा अगला प्रश्न क्या है भारतीय संविधान कितने भागों में विभक्त है उसका स्पष्ट उल्लेख कीजिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो इस प्रकार से ये था एक प्रकार से आपका क्या यही है मेरे प्यारे दोस्तों आपका मॉडल पेपर जो कि हमने आपको बता दिया ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि एग्जाम से बन सकते हैं एक बार इसका स्क्रीन लीजिएगा ओके इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए लघोत्रिय का है इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप तो इन सभी को आपने देखा विस्तार से हमने जो है राजनीति शास्त्र का बताया जल्दी प्राचीन इतिहास का नहीं इंसेस्ट हिस्ट्री का जल्दी आपके सामने दूंगा इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का दे ही चुका हूँ इससे पहले आप लोग देख लीजिएगा उसको और अन्य सब्जेक्ट की भी इसी प्रकार से देने का प्रयास रहेगा तो आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सभी लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ अपने जो भाई बंधु या आरी पड़ोस हो या कॉलेज में जो पढ़ रहे छा छात्र रहे हैं जो आपके मित्र हैं फ्रेंड्स हैं उन सभी को इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि शुक्ला एस डी पॉइंट पर बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके नए परीक्षा पैटर्न जो कि बदला हुआ है उसको सबसे पहले देने का प्रयास कर रहा है शुक्ला एस डी पॉइंट सबसे पहले मॉडल पेपर दे रहा है शुक्ला एस डी पॉइंट पूरे यूट्यूब चैनल पर आप पहले मॉडल पेपर या ऐसा ऐसा मॉडल पेपर अभी जो नया मॉडल पेपर आया है सभी विश्वविद्यालयों के लिए वह नहीं पाएंगे तो सभी विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप ध्यान रखेंगे तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू गुड नाइट दोस्तों राम राम, सभी लोगों का जय हिंद जय भारत इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें ठीक है लाइक और शेयर जरूर करते रहे धन्यवाद आप सभी का चलिए गुड नाइट गुड नाइट ऑल ऑफ यू गुड नाइट सभी को